नमस्कार दोस्तों, मैं आरची शर्मा IBTS के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेरा पर्सनल खुद का भी फेवरेट है, IPL। क्रिकेट लवर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है, IPL स्टार्ट हो चुका है, और उससे भी अच्छी बात हम इंडियंस के लिए है कि इस बार इसका टाइटल स्पॉन्सर कर रहा है टाटा, हम सबका चहेता, हम सबका फेवरेट। देखिए, 2008 में जब IPL स्टार्ट हुआ था उस वक्त सिर्फ हमारी इंडियन कंपनी DLF ने इसका टाइटल स्पॉन्सर किया था। उसके बाद से लेकर के अभी 2012 से 22 तक 10 सालों तक इसे सिर्फ बाहर की कंपनियां इसका टाइटल स्पॉन्सर करती आ रही हैं, वो चाहे पेप्सी हो, वो चाहे वीवो हो। तो इसके पीछे की वजह क्या है कि हमारे इंडिया में ऐसी कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जो IPL का टाइटल स्पॉन्सर कर सके। IPL को इंडिया का सुपरबॉल कहा जाता है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये हमारा इमोशन है, हमारे इमोशंस जुड़े हैं इसके साथ, ये हमारे लिए एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को एक रेवेन्यू देने के लिए, फंड्स देने के लिए हमें किसी बाहर की कंपनी की ज़रूरत है? अगर मैं रेवेन्यू वाइज इसकी बात करूं तो ग्लोबली क्रिकेट में अकेला IPL 40% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। BCCI ने अभी दो नई टीम्स की लाइसेंस बेच के 12,700 करोड़ रुपये कमाए हैं। अगर मैं इसकी वैल्यूएशन की बात करूं तो IPL की वैल्यूएशन 50,000 करोड़ रुपए की है, और आने वाले 5 सालों में BCCI प्लान कर रहा है इसे डबल करने का। दैट मींस 1,00,000 करोड़, पैसा ही पैसा। लेकिन जब भी कोई कंपनी IPL को स्पॉन्सर करती है तो IPL के नाम से पहले उस कंपनी का नाम आता है, जैसे वीवो IPL, मतलब IPL इंडिया, वीवो चाइना। तो इंडिया से पहले चाइना का नाम आ रहा है। हर साल वीवो 440 करोड़ रुपए देता था ये टाइटल स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन ये पैसा वेस्टेज तो नहीं है, ऑफ कोर्स वो मार्केट को कैप्चर करने के लिए है, वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट थी। हर साल हमारे इंडिया में, अगर मैं ये मोबाइल कंपनी की बात करूँ या मोबाइल मार्केट की बात करूँ, तो ये 37% बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान में, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज आपको पता है ये सेकेंड नंबर पर आता है हमारा इंडिया। तो देखिए, हर एक बाहर की कंपनी में IPL को स्पॉन्सर करने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी एक स्टेप जो था वो नहीं लिया गया था। अभी तक वीवो का जो कॉन्ट्रैक्ट था IPL के टाइटल स्पॉन्सर करने का, वो अभी 1 साल का और पड़ा था, लेकिन वीवो ने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही उल्टा एक्स्ट्रा मनी दे करके वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बंद करवाया, कैंसिल करवाया। ऐसा क्यों? आप सबको रीजन पता होगा, 2020 में गलवान घाटी जो थी, गलवान वैली जो थी, वहां पे जो इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश हुआ था, उसके बाद से हम इंडियंस का एक चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर के जो सोचने का नजरिया था वो पूरी तरह से बदल चुका था। वीवो को भी लगा कि ये शायद सही कदम नहीं होगा इंडिया में अब वो और पैसा लगाना या कुछ इस तरह से करना, लेकिन देखने को तो कुछ और ही मिलता है। आज भी हमारा जो इंडिया है, हिंदुस्तान में जितने भी आप प्रोडक्ट्स की बात करें या मोबाइल की बात करें, तो चाइनीज कंपनी जो है वही डोमिनेट कर रही है। ऐसे समय पे BCCI से अब टाइटल स्पॉन्सरशिप के जो राइट्स हैं वो ले लिए हैं हमारे टाटा ने, जो कि हम सबके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है। क्योंकि देखिए, टाटा की अगर मैं पर्सनल वे में बात करूं तो ये एक बिजनेस मोटिव से तो सबसे आगे चल ही रहा है, लेकिन ये इमोशनली भी हमारी कंट्री के साथ अटैच है। हमारे भारत की प्रोग्रेस के लिए टाटा बहुत बहुत समय रहते वो एक स्टेप्स जो है वो लेता रहता है। जिस तरह से अगर आपने देखा होगा, तो आप अगर हम बात करें एयरलाइन को वापस लेके आने की, या आपका जेगुआर है या लैंड रोवर है, वो ब्रिटिश कंपनी से हिंदुस्तान में वो लेके आने की, और मतलब उसका ब्रांड खरीदने की, और अगर हम बात करें ताज पे जब अटैक हुआ था तो वहाँ के एम्प्लॉइज़ के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने के लिए, तो इस तरह से अगर हम टाटा के बारे में देखें तो उसको हम सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कंपनी मानते हैं, और इसका बेनिफिट जो है वो हमें कंप्लीट हर इंसान को मिलेगा, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। जब इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो हम सबकी प्रोग्रेस होगी। अब वो प्रोग्रेस क्यों है? क्योंकि आज से पहले अगर मैं बात करूँ, जो आपका वीवो था या आपका पेप्सी है, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, लेकिन टाटा जो है वो आज ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट में घुस चुका है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो जो एक मल्टीपल ब्रांड की अगर मैं बात करूं, इस वक्त पे हर जगह पे टाटा जो है वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में भी हम सबके बीच में रह रहा है।
तो अगर टाटा की प्रोग्रेस होगी तो हमारे इंडिया की प्रोग्रेस होगी, और इंडिया की प्रोग्रेस होगी तो हम सबकी प्रोग्रेस होगी। तो मैं तो पर्सनली कहूँ तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई होप आप लोग भी खुश होंगे। अपना ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था अगर मैं टाटा के बारे में बात करूँ तो अगर आप लोगों को और कुछ लगता है कि इसमें कुछ और बेनिफिट हम इंडियंस को मिल सकते हैं या कुछ हो सकता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ या सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।